नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मेनली एक सवाल पूछने के लिए आपसे बनाई गई है और बहुत ही जल्दी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, शायद तीसरी या चौथी बार ये चीज़ अनाउंस कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो में हम एक ऐसी न्यूज़ बताएंगे जिससे आप लोगों के पोर्टफोलियो रिव्यू होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ओके, मुझे पता है बहुत सारे रिव्यू आते हैं, बहुत सारे मतलब पोर्टफोलियोज़ आते हैं और हम बहुत सारे रिव्यूज़ नहीं कर पाते, तो उनको नंबर ऑफ़ रिव्यू बढ़ाने के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपने पिछले कुछ समय में चैनल पे देखा कि हमने स्मॉल कैप की एक सीरीज़ बनाई, हमने सभी के सभी स्मॉल कैप जितने भी मार्केट में हैं उनको एनालिसिस किया, उनका उनमें से बेस्ट कौन से थे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अभी करंट में कौन से चल रहे हैं उस चीज़ के हिसाब से, और थर्ड नंबर पे उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस हो गया। ओके, सेम चीज़ आप अगर मिड कैप के लिए चाहते हैं कि आप बेस्ट मिड कैप ढूंढना चाहते हैं, तो जितने भी मिड कैप मार्केट में हैं उनका हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और एक सीरीज़ बनाएंगे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के जवाब में अगर आप अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप भी कर रहे हैं तो भी इस चीज़ का जवाब साथ में दे दीजिएगा कि आप मिड कैप की सीरीज़ चाहते हैं या नहीं, ठीक है। और अब चलते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू के अंदर और देखते हैं कि दो तीन रिव्यू करूँगा यहाँ पे, ज़्यादा नहीं और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आप लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के रिप्लाई में जो भी लोग बोलेंगे कि हाँ सीरीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, बेशक आपको नहीं चाहिए सीरीज़ लेकिन साफ साफ लिखिएगा, क्योंकि मैं तभी उस चीज़ को आगे बनाना चाहूँगा जो लोग देखना चाहते हैं, उस चीज़ को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं ना जो आप देखें ना, तो वो चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, साथ में अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ड्रॉप कर दीजिएगा। अब चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे इन्होंने बोला कि एज अ स्टूडेंट मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहता हूँ, मैंने 11,000 लमसम किया है और ये मेरा पोर्टफोलियो है और SIP चल रही है 700 की। आई नो इट्स अ स्मॉल अमाउंट बट इंपॉर्टेंट फॉर मी, वेयर आई गॉट सम लमसम बाय एनी वर्क और इंटर्नशिप एंड स्कॉलरशिप, आई वॉन्ट टू पुट दैट इन द सेम रेशो, आई पुट द 10K लमसम, सो आई वॉन्ट अ सजेशन फ्रॉम यू, माई ड्यूरेशन इज 7 to 9 ईयर फॉर लॉन्ग टर्म बट आफ्टर गेटिंग जॉब विल चेंज द पोर्टफोलियो। अब एक चीज़ पे हम ध्यान देते हैं यहाँ पे, मुझे पता है बहुत से लोगों के लिए ये अमाउंट बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि एज ए स्टूडेंट जहाँ पे मतलब हम लोगों को देखते हैं कि पैसा ना होने के बावजूद भी 10,000 की सैलरी है, 12,000 की सैलरी है, 14,000 की सैलरी है या 20,000 सैलरी और आईफोन लेके बैठे हैं, ठीक है, उन लोगों से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये लोग तो महान हो गए फिर। ओके, लेकिन मैं आपको स्टिल एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर पैसे की दिक्कत है, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, आपके माइंड में ये है कि आपको एक इन्वेस्टिंग की आदत पड़ जाए, तो कीजिए और करना भी चाहिए। मैं क्यों मना करूँगा, मेरे लिए तो अच्छी बात है ना, आप मेरे व्यूअर हैं, कल को जब आपकी जॉब लग जाएगी तो मेरे लिए आप एक क्लाइंट बन सकते हैं, तो मैं क्यों मना करूँगा। लेकिन स्टिल मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, कि अगर आप ऐसे सर्कमस्टांसिस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पुश करके, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए जो आपकी लाइफ में आपको खुशी दे रही हैं, कुछ भी हो सकती हैं वो चीज़ें। ओके, अब मुझे नहीं पता सिचुएशन क्या है, क्यों आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छी आदत है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं कि आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के इस चीज़ को पूरा टाइम दें या अपना पूरा एफर्ट दें या पूरा रिसोर्सेज इसी को दे दें। एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है, आपको आगे ये टारगेट करना है, सबसे बड़ा टारगेट ये होना चाहिए आपका जॉब, कि कितनी तगड़ी जॉब आप ले सकते हो, ताकि ये पोर्टफोलियो कैसा भी हो जब इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा होगा तो सब ठीक रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर भी रिव्यू कर देता हूँ, अभी के लिए आप कर सकते हैं, ये मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि आप 3 स्मॉल कैप में कर लीजिए, लेकिन अभी आप कर लीजिए। आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कर रहे हैं, बढ़िया बात है, यूनियन का मल्टी कैप, ठीक है, 700 रुपये ये आपका अच्छा है पोर्टफोलियो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज अ स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ कि एज अ स्टूडेंट जो पोर्टफोलियो है आपका, इसमें कोई बुराई नहीं है, बस नंबर ऑफ फंड्स मत बढ़ाइएगा इतने ज़्यादा कि कल को जॉब लगे तब तक आपके पास 50-100 फंड हो जाएं। ओके, अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है जिसको मैं बोलूँगा कि आप कॉपी कर लो, ऐसा पोर्टफोलियो है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, एडलवाइस का मिड कैप जो है वो भी वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट मिड कैप आता है, इसको बीच में रखा है, ये कहीं भी स्टैंड नहीं करता, और सैटेलाइट में JM फ्लेक्सी और निपोन इंडिया स्मॉल कैप, बहुत ही तगड़ा पोर्टफोलियो है, मुझे नहीं लगता कि अभी इसके अंदर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बहुत सजेशन दूंगा कि आप लगातार वीडियोज़ को देखते रहें,
शायद अगर आप 2 महीने 3 महीने नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, सीधा 2025 में मिलते हैं, लेकिन तब तक आप भूल जाएंगे हमें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बीच बीच में कुछ वीडियोस देखते रहें, एटलीस्ट इन जो फंड्स का रिव्यू आएगा कि आपके फंड्स का रिव्यू कैसा है, आपके फंड्स कैसे चल रहे हैं, इनका रिव्यू आप देखते रहें। ओके, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सही है। अभी आप किसी भी चीज़ को ऐड करने की मत सोचो, ये आधे साल के लिए या 1-2 साल के लिए जो भी आपने लिखा है स्मॉल कैप तो बिल्कुल भी ऐड मत करो। ये पोर्टफोलियो परफेक्ट लग रहा है मुझे। यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो का रिव्यू भी करूँगा और उन लोगों का जवाब भी दूंगा कि जो लोग पूछते हैं ना कि सर हमारी सर्विसेज से फ़ायदा क्या होगा। मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको रीज़न दूंगा एक छोटा सा। SBI स्मॉल कैप बहुत अच्छी बात है, SBI कॉन्ट्रा गंदी बात है। क्यों? अभी तो मैंने बोला SBI कॉन्ट्रा बहुत अच्छा फंड है, कंसिस्टेंट है, लेकिन 2 SBI के फंड हो गए ना, वो मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको ये करना है, आपको इसको टाटा स्मॉल कैप के साथ रिप्लेस कर देना है, तो ये परफेक्ट हो जाएगा पोर्टफोलियो। क्यों? इसके अंदर एक अच्छा मिड कैप हो गया, फिर से एक स्मॉल कैप, बेशक 2 हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, एक फ्लेक्सी कैप हो गया जो लार्ज कैप का एक्सपोजर आपको दे देगा। और अगर मैं बात करूँ तो 1-2 फंड ये हो गए आपके जो बिल्कुल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ये 2 फंड हो गए जो आपको चर्निंग या सैटेलाइट फंड बोल दूँ, और ये फिर एक इन बिटवीन फंड हो गया। ओके, यहाँ पे व्हाट चेंजेस आई हैव टू डू, मैंने चेंजेस बता दिए यहाँ पे। ओके, कैन आई ऐड 1 LSS और मल्टी कैप? कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, कैन आई अचीव 1 crore टारगेट? देखो, उसके लिए ना आपको 12% से ज़्यादा रिटर्न निकालने होंगे 20 साल में, और 20 साल में 15% निकालना कोई आसान काम नहीं है। आप 12 निकाल लोगे, 12 से आपको 80-90 लाख रुपये मिल जाएंगे। अब मुझे डिफरेंस क्रिएट करना है, अगर कोई मेरा क्लाइंट है तो सिर्फ ये 2-3% का, और ये 2-3% मैं बताऊँ कितना कर देगा आपके लिए, 1.10 CR, यानी कि आफ्टर टैक्स यहाँ पे जो बनेगा वो शायद 80 लाख बने, और यहाँ जो आफ्टर टैक्स बनेगा वो 1 CR बने। ये 2-3% का डिफरेंस जो है ना, वो ये इम्पैक्ट डाल सकता है, 3% का डिफरेंस। ओके, तो अभी नॉर्मली मैंने इस पोर्टफोलियो को रिव्यू, वापस आ जाते हैं, ये तो उन लोगों के लिए जो पूछते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आप 1 CR टारगेट अचीव कर सकते हैं अगर आप 20 साल कंसिस्टेंटली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें, और एटलीस्ट 6 मंथ में एक बार तो कर ही लीजिए। और चेंजेस की बात है, थोड़ा बहुत चर्निंग चलती है, 5 साल में 2-3 चेंजेस होते रहेंगे, यानी कि 10 साल में या 15 साल में 20 साल में जितने आपको लगे चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उनको एक पर्टिकुलरली प्लान करके कि क्या टैक्स क्या एग्जिट लो लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लें। चेंज करते वक्त सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि जो भी पैसा आपने निकाला है उसमें 10 रुपये या 20 रुपये ऐड ही करो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आपने 1 लाख रुपये निकाला, चलो यार इससे ना कुछ ले लेता हूँ, इन्वेस्ट नहीं करता। तो री इन्वेस्ट बहुत ज़रूरी है चर्निंग के वक्त। जो लोग खुद करते हैं वो ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि री इन्वेस्ट करते वक्त पैसा यूज़ कर लेते हैं। ओके, होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।